शिवरात्रि के कारण सोलन के शिवालय सभी सज चुके हैं। मंदिरों में सुबह शाम पूजा अर्चना की जा रही है। अन्य मंदिरों की तरह सोलन के प्राचीन मंदिर नरसिंह मंदिर में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। कोविड के नियमों का अनुसरण करते हुए सभी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नरसिंह मंदिर में शहरवासियों की बेहद आस्था है। कोरोना के चलते लोगों की कम संख्या मंदिर में देखी जा रही है। शिव भक्त मंदिर में आकर शिवलिंग की पूजा कर मंगल भविष्य की कामनाएं कर रहे हैं। शहरवासियों का मानना है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव से कुछ भी मांगता है, वे उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इस मौके पर उपस्थित शिव भक्तों ने बताया कि उनकी भगवान शिव में बेहद आस्था है, इसलिए वे भगवान शिव के मंदिर अवश्य जाते हैं। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि से पहले 11 दिनों में जो भगवान शिव की आराधना करता है, उसे निरोगी काया मिलती है। उन्होंने बताया कि जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए शिव का अवतार हुआ था और उनका घमंड चकनाचूर कर सही मार्ग दिखाया था, तभी से शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। जो शिव पुराण के अनुसार है कि जो 11 दिन होते हैं आजकल शिवरात्रि के से पहले के, इसमें अगर भगवान शिव की भक्ति की जाए, भगवान शिव की महिमा सुनी जाए, तो सारा जीवन जो है मनुष्य निरोगी रहता है। हाँ जी, महाशिवरात्रि के तो अनेक कारण हैं पुराणों में, लेकिन मुख्यतः भगवान शिव का सबसे पहला अवतार जो है इसी रात्रि को हुआ था, जब ब्रह्मा और विष्णु में दोनों में अहंकार हो गया था, तो इनके अहंकार को दूर करने के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में इसी रात्रि को भगवान शिव प्रकट हुए थे। और तभी से ही, आदि काल से ही, ये शिवरात्रि का जो है पर्व है वो बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। कि शिवरात्रि पर्व इसलिए मनाता है कि शिव जी की शिवलिंग में या बेलपुर जिस तरह भी पूजा आज के दिन में की जाए, वो पूजा जो है हमेशा के लिए बड़ी महान मानी जाती है। हम लोग जितने भी हिंदू लोग हैं, कितने हमने कष्ट से हैं, मुसलमानों का राज देखा, अंग्रेजों का राज देखा, और भी कितने राज आए, परंतु हिंदू समाज का सनातन धर्म मंदिर का जो सनातन धर्म है, ये सबसे उच्च मार्ग है और सबसे अच्छा मार्ग है। इसको करने से शांति मिलती है और मन को संतुष्टि मिलती है और भगवान शिव सबके कार्य को पूर्ण करते हैं।